देख रहे हैं सच दर्शन। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक में आदमखोर कुत्तों ने आतंक मचाया है, जहां दो महीनों के अंदर इन आदमखोर कुत्तों के हमलों से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और एक दर्जन के करीब घायल हो चुके हैं। जहां इन आदमखोर कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया था कि गांव वालों ने अपने बच्चों का स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। ऐसे में हमारी टीम ने अपनी खबर के जरिए प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी, जिसके बाद मामले को तूल पकड़ता देख प्रशासन ने वन विभाग को इन आदमखोर कुत्तों से निपटने के लिए निर्देश दिए और वन विभाग की टीम ने आदमखोर कुत्तों से प्रभावित इलाकों में गांव वालों के साथ कॉम्बिंग की। एक टीम गठित की गई है, DFO साहब की अध्यक्षता में एक टीम रहेगी, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट, SDM सदर और CO सिटी और हमारे चीफ वेटनरी अफसर, ये 5 लोगों की टीम है। ये टीम डिसाइड करेगी क्या करना है। हालांकि टीम ने अपना काम शुरू कर दिया 2 दिन पहले से वन विभाग में, और डेली ये रिपोर्ट करेंगे DM साहब को क्या इन्होंने किया है। ये जो खैराबाद में जो कुत्तों का आतंक है, इसमें 10 किलोमीटर की जो रेडियस में जितने भी हमारे गांव पड़ रहे हैं खैराबाद से, उन सभी में भ्रमण करके उस आतंक से मुक्ति दिलाएगी। जहां गौरतलब है कि खैराबाद के गुलरिया में बीते 22 जनवरी को एक दर्दनाक हादसा सामने आया था, जिसमें अपने खेत के पास घूम रहे एक 9 वर्षीय बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच नोच के मार डाला था। एक राहगीर ने कुत्तों से बच्चे को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन कुत्तों ने उसे भी दौड़ा दिया। वहीं थाना खैराबाद कस्बे में रहीम नाम का एक लड़का बकरियों के साथ कस्बे के बाहर खेतों तक पहुँचा ही था कि तभी एकाएक वहाँ पर कई कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी। इतना ही नहीं, इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि बीते कई दिनों से बाहर से आए इन कुत्तों ने कई जानवरों को भी मार डाला था, जहां इसी तरह से कई और हमले भी कुत्तों ने किए थे। हमारा नाम मुंतजिर है। इसमें बच्चे बहुत परेशान हैं कि इस क्षेत्र में जो है कभी 5-6 बच्चे तो मर चुके हैं और 15-20 घायल हो चुके हैं, और उसके लिए टीम जो है वन विभाग की टीम आती है और पता लगाती है। मतलब ये पता नहीं चलता कुछ, मतलब क्या किया जाए इसके साथ में। बच्चे जो है स्कूल डरने जाने से डर रहे हैं, पढ़ने से जाने रही स्कूल नहीं जा रहे हैं, और इसके लिए और जितन सिंह या फाज साहब आते हैं तुरंत तत्काल 20 मिनट में मतलब पहुंचते हैं, मतलब इसके लिए और मतलब काम जो है बहुत स्पीड में आते हैं, 20 मिनट में आते हैं अगर जैसे फूल किया जाता है। और हमारे इधर आतंकवाद जो खैराबाद के पूरा साइड में बहुत ज्यादा आतंकवाद फैला हुआ है कुत्तों का, और इससे कुत्ते से मतलब बच्चे जो दूसरे गांव से हैं, दूसरे गांव के स्कूल को जाना चाहते हैं तो वो जा नहीं रहे हैं। वही खैराबाद इलाके में ही खपरैल, मुलाहिमपुर, सरैया और गुलरिया जैसे कई गांव हैं जो आदमखोर कुत्तों से प्रभावित हैं। हालांकि वन विभाग के सक्रिय होने के बाद गांव वालों को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।